ये है मेरी R15 V3 2018 का मॉडल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आपकी R15 V3 कहाँ गई, तो फाइनली आज इसके ऊपर वीडियो है। और अभी तक ये 40,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, 3.5 साल हो गए हैं, तो अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस किया है, कितने पैसे अभी इसमें लग चुके हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि गाइज आपको बताऊँ, ये जो बाइक है ना, ये आप कह सकते हो जब R15 V3 लॉन्च हुई थी तो उसके जो स्टार्टिंग के लॉट्स थे ना, फर्स्ट लॉट या सेकेंड लॉट, उसी में से ली गई थी। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो पहले ही आई थी, मैंने वीडियो भी करी थी, जैसे टैंक ओपन हो रहा था, फिर कंपनी वाले ने सॉल्व कर दिया। और अभी तो यार V3 में मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है। एक बात और आपको बता दूं कि अभी ना 40,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 42,000 हुए हैं, ओडोमीटर भी आपको दिखा दूंगा। तो अभी ना इसका इंजन भी एक बार खुल चुका है, तो उसकी क्या कहानी है सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सारा कुछ एक्सपीरियंस बताने से पहले एक बार मैं इसका पूरा आपको वॉक अराउंड दिखा देता हूं, तो आपको इसका अभी की कंडीशन क्या है उसका अंदाजा लग जाएगा। तो इसकी गाइज, जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अच्छा रिस्पांस गेन कर रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है ओबन ईवी की रॉर। अभी क्या है ना कि जितनी भी आपको टू व्हीलर्स मिलती हैं उन सभी में NMC बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन ओबन ईवी रॉर में LFP बैटरी यूज करी गई है, जो कि इंडियन वेदर कंडीशन के लिए ज्यादा सेफ है। बेसिकली NMC बैटरी है, उसका थर्मल रनवे है 220 डिग्री सेल्सियस, लेकिन LFP बैटरी का थर्मल रनवे है 270 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री LFP बैटरी में ज्यादा थर्मल रनवे है, अगर ज़्यादा हीट होती है तब भी LFP बैटरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इंडियन वेदर में LFP बैटरी ज़्यादा सेफ है, तो मेरे हिसाब से ओबन ईवी रॉर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है जिसमें LFP बैटरी यूज़ करी गई है। इस रॉर में बड़ी बैटरी भी लगाई गई है, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और अच्छी रेंज भी मिल जाएगी। अगर आप ओबन ईवी रॉर को बुक कराना चाहते हो तो आप openev.com पे जाके बुकिंग करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दूं, ओबन ईवी के कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है और ना ही किसी दूसरी वेबसाइट से बुकिंग होती है, तो आपको केवल openev.com पे ही जाके बुकिंग करानी पड़ेगी। 999 रुपीज से इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट है, जल्दी ही इनकी टेस्ट राइड भी स्टार्ट होने वाली है। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हो, कंडीशन वैसे अच्छी है, मतलब आपको देख के नहीं समझ आएगा, बट मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स दिखाता हूँ। तो ध्यान आप ये रखना है कि इसको ना 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग आप कह सकते हो जुलाई में इसको 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, 2018 का मॉडल है ये। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि जैसे अभी 40,000 किलोमीटर हो गए ना, उससे ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा प्लास्टिक का पार्ट आपको अंदर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखो पूरा, मतलब ये देखो स्क्रैचेस भी आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि इसको चेंज करने लायक है। ज़्यादा महंगा नहीं है, आप चेंज भी करा सकते हो, बट अभी तक चेंज मैंने नहीं कराया। इसी के साथ यहाँ पे स्क्रैचेस हैं, और ये स्क्रैचेस गाइस मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, मतलब इसका जो पेंट है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो कि पहले से ही निकलने लगा था। इसके पीछे वाले इंडिकेटर 2-3 बार टूट चुके हैं, अभी देख सकते हो ये आफ्टर मार्केट इंडिकेटर है, जो कि मतलब ऐसे ही लोकल सा लगाया गया है, 250 रुपये का आता है। इसका जो मिरर है ना, ये भी बार बार लूज़ हो जाता है यहाँ से, तो जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो पूरा आगे हो जाता था, तो अभी इसमें नया डला हुआ है ये। इसी के साथ बाकी इस साइड से भी आप पूरी इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, स्क्रैचेस हैं, बट एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, इसके कलर्स जो है ना वो डल नहीं हुए हैं, मतलब जैसा कलर पहले मिलता था वैसे ही लग रहा है, ये आप देख सकते हो कैमरा में। बाकी यहाँ पे आप रस्टिंग भी देख सकते हो, डिस्क पैड में रस्टिंग है, और ये रस्टिंग अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से ही स्टार्ट हो रही थी, मतलब 5-7 हज़ार किलोमीटर के बाद ही ये रस्टिंग होने लगी थी यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे रस्टिंग है। इसका बार एंड भी आप देख सकते हो, बार एंड भी हिल रहा है पूरा, ये ऐसे ऐसे इस साइड। तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगभग आप कह सकते हो कि 40,000 किलोमीटर चली है तो वो तो होना ही है, ऐसा नहीं किसी बाइक में हो रहा है। तो वॉक अराउंड से आपको इसकी अभी के कंडीशन का आइडिया लग गया होगा। अब अभी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, कि अभी तक का पूरा जो एक्सपीरियंस रहा चलाने का हो या इसको ओन करने का हो, वो कैसा रहा। पहले आपको सर्विस कॉस्ट बताऊं तो इसकी आप कह सकते हो लगभग 12-13 सर्विस हुई है लगभग अभी तक, मतलब 40,000 किलोमीटर तक, और जिसमें से 6 सर्विस इसकी फ्री रहती है, बाकी पेड सर्विस हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि सर्विस में अभी तक लगभग 25,000 रुपये लगे हैं, जैसे जो फ्री वाली सर्विस होती है उसमें लगभग 1200-1300 रुपये लगते हैं, जिसमें इंजन ऑयल या फिल्टर का कॉस्ट रहता है। बाकी जो पेड वाली सर्विस है उसमें 2500 से 3000 रुपये के बीच में लगते हैं, क्योंकि उसमें छोटे मोटे पार्ट्स भी चेंज होते हैं, जैसे ब्रेक पैड भी चेंज हुआ तो फिर वहाँ पे 3000-3200 पहुँच जाता है कॉस्ट, क्योंकि एक बार ब्रेक पैड चेंज होने के कॉस्ट अराउंड 600 रुपये है। ब्रेक पैड्स की बात चली रही तो आपको बता दूँ, अभी तक इसके लगभग 3 से 4 बार ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। आगे वाले ब्रेक पैड 300-400 रुपये के लगभग आते हैं, और पीछे वाला थोड़ा सा महंगा है, 500-600 या 800 रुपये कुछ का आता है। तो सर्विस कॉस्ट के अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है, वो कहाँ कहाँ पर लगाया वो मैं आपको बताता हूँ।
पहले चीज तो उसके एक बार टायर चेंज हुए हैं, अभी देख सकते हो बिल्कुल नए पेयर हैं टायर के, एक पेयर आगे वाला और पीछे वाला मिला के 5 से 6 हजार रुपए के बीच में कॉस्ट करता है। तो ये एक मेजर खर्चा हो गया, और ये तो होना ही है क्योंकि रनिंग पार्ट है, जैसे आपकी बाइक चलेगी तो 20-30 हजार 40 हजार किलोमीटर में एक बार टायर चेंज होता है। इसके साथ इसके जो फ्रंट वाले शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, उसमें ऑयल सील बार बार कटी है। मैं आपको बताऊं तो अभी तक 40,000 किलोमीटर में इसके 5 बार फ्रंट की ऑयल सील कट चुकी है। थोड़ा सा चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी किसी के मैंने देखे हैं कि 20-30 हजार बाइक चल गई है, एक भी बार ऑयल सील नहीं कटती, लेकिन अभी तक इसमें 4-5 बार कट चुकी है। मे बी इसका देखो ऐसा है ना कि ये एग्रेसिव पॉस्चर के साथ है, जब आप चलाते हो तो आप ब्रेकर्स में ब्रेक नहीं लगाते हो। बहुत सारे लोग ऐसा राइड करते हैं, जैसे दोस्त राइड करता है तो वो ब्रेक्स नहीं लगाता, तो वहाँ पर दिक्कत आती है, आप ब्रेक्स नहीं लगाओगे तो जल्दी जल्दी इसकी ऑयल सील कटेगी। तो ऑयल सील का कॉस्ट आप 5-600 रुपए ले सकते हो विथ लेबर, तो 5-600 रुपए यहाँ पे लगे, तो 5 बार भी अगर आप जोड़ोगे तो लगभग 3,000 से मतलब 2,500 से 3,000 रुपए तो इसके ऑयल सील में लग चुके हैं। दूसरा मेजर खर्चा, इसका पीछे वाला जो शॉक एब्जॉर्बर है वो खराब हो चुका था, को चेंज करना पड़ा, जो कि 3,000 रुपए का कॉस्ट करा था। तो आप ये कह सकते हो कि शॉकअप में ही इसमें 3,000 + 3,000 मतलब 6,000 रुपए दोनों शॉक एब्जॉर्बर में अभी तक 40,000 किलोमीटर में लग चुके हैं। और आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है कि आपके पास है तब भी इतने पैसे लगेंगे, आपके चलाने के ऊपर है, क्या पता आपने 40,000 किलोमीटर चलाया हो और एक भी बार ऑयल सील नहीं कटी हो, तो वो भी केस हो सकता है। बट अपनी बात कर रहा हूँ, इस बाइक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें इतने पैसे लगे। इसी के साथ अभी तक ना इसके फ्रंट और रियर के जो टायर्स हैं उनके बीच की बैरिंग भी चेंज हुई है, क्योंकि लगभग 200-300 रुपए की आती है, तो दोनों को आप जोड़ लो तो 600-700 रुपए की आती है। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी बाइक में होगा आपकी, ये क्या होता है कि आप कैसे मेंटेन करते हो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपका सर्विस इंटरवल कैसा है। तो यार थोड़ी बहुत इसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सर्विस कभी लेट हो जाती थी है ना, कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसका इंजन एक बार खुल चुका है, इसका जो कैमशाफ्ट है उसकी बैरिंग खराब हो गई थी तो उसको चेंज कराया गया है। तो जब इसको मैंने पता लगाया कि भाई यामा वाले कितना पैसा ले रहे हैं इसका, तो यामा वालों ने इसको कोट किया था लगभग 10-12 हजार रुपए, लेकिन फिर इसको वहां से हमने नहीं कराया, इसको बाहर करवाया, आफ्टर मार्केट करवाया, तो वहां पे इसमें लगभग 6-7 हजार रुपए लगे, तो मतलब 3-4 हजार रुपए यहाँ पे बच गए, हमने बाहर से करवाया तो 3-4 हजार रुपए इसमें कम लगे। जो पीछे वाले इंडिकेटर है वो भी मैंने आपको बताया वो भी चेंज हुए, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब 3-4 बार चेंज हुए तो 2 बार पेयर चेंज हुए आप ऐसा कह सकते हो, तो 300-400 रुपए इसमें लगे होंगे। अब देखो एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे याद नहीं अभी, और ये मिरर भी चेंज हुए तो इसमें भी 300-400 रुपए 500 रुपए कुछ खर्चा आया होगा। तो मोटा मोटा सर्विस कॉस्ट अगर आप हटा दो, सर्विस कॉस्ट हुई 25,000, सर्विस कॉस्ट को अगर आप हटाओ तो 6,000 इंजन के हो गए, 6,000 शॉकअप के हो गए, तो 12,000 ये हो गया, और प्लस 600 रुपए इसके बैरिंग के हो गए, तो 12,600, तो पूरा रफली आप देखो तो 13-14 हजार रुपए लगभग 14,000 रुपीज़ इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं सर्विस कॉस्ट के अलावा, जो कि इंजन वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आई उसमें। इसके अलावा इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन भी है जो कि मैंने ऐड नहीं किया, जैसे पहला मॉडिफिकेशन कि भाई इंडिकेटर आप देख सकते हो फ्रंट वाले वो भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, तो 200-300 रुपए के वो आते हैं। पीछे वाले भी अभी LED वाले लगे हुए हैं तो वो भी एक्स्ट्रा है ना, उसको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो 200-300 रुपए के ये हो गया। इसके अलावा इसमें सिमटेक का हजार्ड लाइट लगा हुआ है तो वो भी 1400-1500 रुपए का आता है। तो हाँ इसको अपन ने ऐड नहीं किया है, अगर आप भी अपनी R15 V3 या V4 में सिमटेक के हजार्ड लाइट लगाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके ऊपर पूरी इंस्टॉलेशन की मैंने वीडियो भी करी थी, तो वो वीडियो भी आई बटन दे दूंगा वहां से देख लेना। बहुत इजी है इंस्टॉल करना, मतलब यहां से खोलोगे कपलर टू कपलर फिटिंग है और आपका काम हो जाएगा। मैंने बहुत सारी बाइक में सिमटेक के हजार्ड लाइट इंस्टॉल किए हैं, तो वो सभी को आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हो और अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। मोटा मोटा अंदाजा लगाओ तो इसमें अभी तक 40,000 से 45,000 रुपए लग चुके हैं 40,000 किलोमीटर में, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप इसको सही से चलाओगे, सही से रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इतने पैसे लगेंगे। जैसे इंजन, मुझे नहीं लगता कि यार इंजन इतना जल्दी खुलने की जरूरत है, 40,000 में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट वो है आ गई इसमें। सेटिस्फाई तो मैं हूँ इस बाइक से, ऐसा नहीं है, क्योंकि चलाने में अच्छी है, आज भी अच्छा परफॉर्म करती है, माइलेज बहुत कमाल का है। जैसे जब इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कमेंट बॉक्स में कि आप भाई इसका माइलेज गलत बता रहे हो, इतना हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में भाई इतना ही माइलेज है, मैंने दिखाया था वहाँ पे 50 प्लस का माइलेज निकला था, तो एक्चुअल में ये R15 V3 50 प्लस का माइलेज निकाल के देती है, और V4 भी 50 के आसपास का माइलेज देती है, इनफैक्ट 50 सुपर वो भी देती है। तो भाई माइलेज तो बहुत कमाल का है, और यामा का एक यही एडवांटेज मुझे लगता है कि भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्होंने माइलेज भी अच्छा दे दिया। वर्जन 4 जो है वो तो और कमाल का है, उसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स भी हैं, जैसे इसमें को क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि इसमें मिसिंग थे। तो हाँ ले सकते हो,
और ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि मैंने अभी तक V3 में क्या क्या फील किया है ना। इससे कोई ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना है आपको कि भाई V3 मत खरीदो, ये यामा की बाइक मत खरीदो। आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि वैल्यू फॉर मनी कोई बाइक बताओ 2 लाख के अंदर, तो मैं R15 V4 का नाम लेता हूँ और MT15 का नाम लेता हूँ, क्योंकि है उनमें वो बात है, चलाने में भी मज़ा है और वैल्यू फॉर मनी भी है। तो यही है एक्सपीरियंस आपका, अगर कोई एक्सपीरियंस है R15 V3 का अभी तक अगर आप ओन करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो, क्योंकि अगर मैं कुछ अगर पॉइंट मिस हो गया हो मेरे से तो आप चाहो तो पूछ सकते हो। यही है, पूरा वॉक अराउंड आपने देख लिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी तक कैसी क्या कंडीशन है। बॉडी वगैरह सब सही है, मतलब ऐसा कोई वाइब्रेशंस वगैरह अभी नहीं आते हैं तो वो आप ध्यान रखना। ये पैनलिंग वगैरह सही है, बट हाँ प्लास्टिक थोड़ा सा चीप फील होता है। जैसे एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो पार्ट है प्लास्टिक का, जब हमने बाइक ली थी तो काफ़ी सॉफ्ट फील होता था, लेकिन अभी ये टाइम के साथ साथ हार्ड हो गया है। वीडियो कैसी लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।